एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक जथेदार रजिंदर सिंह कांचला पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा नानकियाणा साहिब संगरूर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईआं होईआं समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। जथेदार सरदार रजिंदर सिंह जी का जन्म 25 अगस्त 1953 नूं माता जसवंत कौर हुणा दी कुखों पिता सरदार कृपाल सिंह हुणा दे घर एक किसान परिवार विच होया। आप जी हुणी 4 भरा सन। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ स्याणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने मस्तुआणा साहिब विखे कॉलेज विच पढ़दियां विद्यार्थियों दे हितां लई संघर्षां विच हिस्सा लैण दी शुरुआत कीती। पंजाब स्टूडेंट यूनियन दे बतौर आगू आप जी ने कई संघर्ष लड़े अते कई बार आप जी पुलिस दी तशद्दद दा शिकार भी होए अते कई बार आप जी जेलां विच भी गए। डीपीएड दी पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी अध्यापक भर्ती होए, पर अध्यापक भर्ती होण उपरंत भी आप जी लोकहितां लई लड़ाई लड़दे रहे अते इस दे कारण ही आप जी नूं अपनी नौकरी तों भी हथ धोणे पए। फिर आप जी सरदार हरचंद सिंह लंगोवाल जी दे संपर्क विच आए अते अकाली दल विचारधारा नाल जुड़ गए। December 1982 विच आप जी दा व्याह सरदारनी तजिंदरपाल कौर हुणां नाल होया। चाहे आप जी एक सूझवान आगू सन, पर आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटे कुलमीत सिंह अते बेटे सुप्रीत सिंह ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। आप जी ने पंथ अते पंजाब दे भले लई शुरू कीते धर्म यूथ मोर्चे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया ते आप जी जेल भी गए। 1984 दे दौरान दरबार साहब उपर होए हमले दौरान आप जी दे लत विच गोली लगी ते आप जी 2.5 महीने तक गुप्तवास रहे। इस दौरान ही आप जी सरगर्मियां दी कमांड संभालदियां अकाली आगू सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा नाल जुड़ गए। आप जी पार्टी दियां स्टेजां बखूबी ढंग नाल संभालदे सन अते आप जी विच स्टेजां संभालन दा एक बहुत ही वड्डा गुण सी। आप जी ने सरदार ढींडसा दी सपोर्ट विच वड्डियां वड्डियां रैलियां दा भी आयोजन कीता। जथेदार रणजीत सिंह कांचला बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तैयार बर तैयार रहंदे सन। आप जी हर गल मुंह ते आखण वाले इंसान सन। इसे कारण ही लम्मा समा अकाली पार्टी नाल जुड़े रहण तों बाद आप जी किसी भी अहुदे ते नहीं रहे। चाहे जथेदार रजिंदर सिंह कांचला अज साडे विचकार नहीं हन, पर उन्हां दीआं यादां अते उन्हां दे कीते काम साडे विचकार हन। Oh,
Yeah.
Thank you.
Thank you.
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
ਉਹ ਸਭ ਪਰ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਾਇਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਖਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਨੇਡਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਰਾਈਆ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਟੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹਰਕਰ ਚੰਦ ਧੂਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਗੰਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਚੰਦ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਾਜਨ ਬੇਦਿਲ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਰ ਮਾਤਿਆ ਜੀ ਪਨੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੂਰ ਚੰਦ ਚੰਦੋ ਇੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਬੈਦ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੀਵਾਲ ਮਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪਤਾ ਆਇਆ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀਵਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੂਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੀ ਜਦੇ ਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਗਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਪੁਰ ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਝਲੇੜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਿਆਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ
क्योंकि बलौड़ा तो हो सकता है इस बार समय के मुताबिक साढ़े सारे ने बहुत ही सत्कार जो पंजाब खालसा पंथ की आम शख्सियत सभी सारे करवा दिया प्यार करने वाले रजिंद्र सिंह ताजवा जिला जिला का जिन्होंने अपने वोटे भरा की तरह पिता की तरह कालरा साहब के सर याद रखिया पीरजा साहब कह रहे थे कालरा साहब बाबा दास जी बाबा दास भी बेड़ा लाप चलो ये बहुत बड़ा पुल से उन्होंने बड़ी गल है रेल बिच नहीं होंगे ये बहुत बड़ा पुल से जो पीरजा साहब ने इसलिए अब सारा सारे का बहुत ही मन भरया हो दिल भरया हो सो परिवार वालों पीरजा साहब परिवार के मैंबर से परिवार पीरजा साहब का अपना परिवार है साडा सारे का परिवार है मैं पीरजा साहब के चरणों में बेनती करता हूँ कि वह आओ सरदार रजिंद्र सिंह कांगला जी में साधा के रूप में कर समझिया आया सरकार परिवार का सरदार सुखदेव सिंह जी पीरजा परिवार दोस्त मित्र रिश्तेदार बहुत दुख होता ही है लेकिन कुछ ऐसे सिद्धे होंगे ने जिन्हों का बहुत दूर तक था और बहुत लंबा समा याद रहने की गल आ गई जिंदगी सारी जिंदगी संघर्ष की जिंदगी रही और दो बारी वो बहुत रूह तो वापस आए एक बारी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं गोली दस तो होया उन्हें बचे दूसरी बार जब गांधी जी ने कहा ब्रिटिश डायरेक्शन गोलियां के पिछाड़ ने साथी बहुत ज्यादा शहीद हो गए लेकिन वाहगुरु ने उन्होंने रख लिया लेकिन योजे इंसान हमेशा इस करके याद रहते हैं मैं ईमानदार कह सकता गुरु महाराज जी हजूरी कि जिन्ना बेदाग मेरे नाल उन्हों का प्यार रहा बिना किसी डर साढ़ा 15 साल राज रहा छोटे तो बड़े लाके कोई ना कोई हरेक मेरा साथी एडजस्ट होता रहा लेकिन सरदार रजिंद्र सिंह कांगला कितने एडजस्ट ना हो मैं बहुत बड़ी बात सामने क्या मैं तो सरदार कांगला साहब की आपके मंदिर बारे मिले तो मैं एक गल कही कि कांगला साहब मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ है कि तुम एडजस्ट नहीं हो बाकी कोई ना कोई एडजस्ट कितने ना कितने करे मैं कहते नहीं मैं थोड़ी जब चाहिए है मैं किसी चीज की जरूरत नहीं मैं पता मैं क्यों नहीं एडजस्ट कर लिया इस तो अलावा जिन्नी पोलीटिकल सिविल मिली उस इंसान में थी शायद ही किसी की होगी और तुम हैरान हो गए मेरी मैं जिंदगी का बहुत जो बड़ा फैसला लेता कुछ बंदे ही थे जिन्हें से कांझा साहब जरूर होंगे तो उन्होंने रह लगा मैं कहीं परिवार का रह नहीं सी पर कांझा साहब की रह और उन्होंने पूछ के रह लैके फिर फैसला करता इस करके इस तरह के साथी चले जाना एक किस्म की सभी बाढ़ टूट जाती है बिना किसी लालच तो ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਜਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ
उन्होंने पिछड़े लिखा यह इंसान का चले जाना मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है। अजय उम्र नहीं सी मैं समझदा कि कई बार उतरों भी पीजीआई भी एक बार ये होया कि मेरा ख्याल चले गए जान गए पर फिर गायब हो गए मेरी गल नहीं रही। उन्होंने बेटे ने सनी जसविंदर सिंह ये 24 घंटे लगे रहे मेरी भी डॉक्टर गल होती रही। मैं ये भी होया कि एक बार कोरोना भी उन्होंने नैगेटिव आ गया तो एक बार अखा भी खोल रही है कि ठीक है। एक बार मैंने डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने थोड़ा जा जी गैस की जरूरत बहुत पै रही है बढ़ते जा रहे हैं पर उस तो बाद कह लगे हम हालात ठीक होते जा रहे हैं पर पता नहीं हार्ट का नैगेटिव भी आ गया हार्ट का होकर पता नहीं लगे। मैं उस दिन मिलने जाना सी मैं जसविंदर प्यार पर चलिए तो कहते डॉक्टर कहते ना जी तुम्हें नहीं आना थोड़ी उम्र बड़ी है परमात्मा करके तुम रहो अभी सब सारे इतने दसी जाऊंगे। तो इस करके कोई जसविंदर का जाना बहुत बड़ी दुखदाई है मेरे लिए इतना बड़ा घट है कि मैं दस नहीं सकता था। चलो वो माँ को मुझे किसका जोर नहीं चलता मैं एक गल कहना चाहता अपने वालों अपनी पार्टी वालों कि साड़ी भैन उन्होंने घरवाली उन्होंने सपुत्र उन्होंने नूहर मैं उन्होंने घर भी जाके कहा कि अच्छे फिर मैं फिर कहना चाहता कि मेरे वालों भी पार्टी वालों भी असं उन्होंने आपका परिवार समझते हुए जो भी कद कोई जरूरत पवे असं हर वक्त उन्होंने जिंदगी उन्होंने किसी काम कम आ सकी है साड़ी कोई किस्म भी होगी। अपने सारे ने बहुत सदे ने जिन्होंने ना रह गए और क्योंकि लंबा समा सी बहुत लौट भी नहीं सी इस करके मैनू कले को धन्यवाद करने का मौका मिले कि मेरे अपने मित्र ने मेरे अपने बहुत प्यारे साथी ने बहुत सारा का धन्यवाद करता मेरे परिवार ने मौका दिता और अपने संगति रूप की भी अरदास की मैं वाहगुरु के सतगुरु आकर फिर अरदास करना कि वाहगुरु साड़ी भैन सब बच्चों समुचे परिवार को वाहगुरु आप हाथ रख के उन्होंने आने वाले दिनों में खुशियां बड़े जाने के और दुख तो भराया नहीं जा सकता पर कोई नहीं है कि अकीर आके उस पाने मन नहीं मिलता। इस करके वाहगुरु करे उन्होंने सिर से फिर बड़े हाथ रखे और जिंदगी में खुशियां रहन ठीक रहन यही साड़ी अरदास है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों मेरे मित्र श्रद्धा के पुल भेंट करना और तुहाडा सारे का धन्यवाद करना चाहना जिहड़े साडे साथी आए थे पॉलिटिकल पार्टियां के आए थे सोशल लोकी आए थे जिहड़े आए तुसीं साडे दुख विच दुख रलाया और दुख घट जाता बुलाया हो तुम आए हो अरदास शामिल हो बहुत बहुत धन्यवाद सारे का वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी खालसा स्कूल वालों गुरजीत सिंह चाह जी वो भी अपनी मनसूबी मिले जी वो भी पग लगे आए वो भी आओ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ।